हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। आओ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट के एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ चुके थे, और आज हम देखेंगे एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान क्या होता है। जैसे कि अगर आपकी SCC होगी तो उसमें परमाणु का योगदान कितना होगा, अगर आपका FCC होगा तो उसमें परमाणु का योगदान कितना होगा, और यदि आपका ECC होगा तो परमाणु का योगदान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने हेडिंग देख रहे हैं कि हमने एक हेडिंग लगा रखा है यहाँ पर, परमाणु का योगदान। तो परमाणु का योगदान है क्या, जैसे कि हम बात करें कि यदि हम बात करें परमाणु का योगदान किसमें, बात करें आपकी SCC, मतलब कहने का क्या निकला, सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। अब क्वेश्चन उठता है इसमें परमाणु का योगदान क्या होगा। तो जैसे कि हमने एक आपका SCC बनाया, ये आपका क्या है SCC, और ये रहे आपके कोने पर परमाणु, ये आपका SCC है और यहाँ पर ये है कोने पर परमाणु। तो ये जो कोने पर परमाणु हैं तो इनका योगदान इस एकक कोष्ठिका को बनाने में कितना रहा होगा, कितना है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो जब भी आप जानते रहिए कि जब भी परमाणु आपके कोने पर हो, जब भी परमाणु आपके कोने पर हो, जैसे यही परमाणु आपके कोने पर है, तो यह परमाणु एक तो अगले वाले एकक कोष्ठिका के परमाणु से टच हो रहा होगा, और यहाँ पर इस परमाणु से टच हो रहा होगा, और यहाँ पर इस परमाणु से टच हो रहा होगा, और यहाँ पर इस परमाणु से टच हो रहा होगा, और इसी प्रकार चार परमाणु तो यहाँ पर हो गए आपके, और चार परमाणु इसके ऊपर हो गए। तो मतलब यह जो परमाणु है कुल टच होने वाले परमाणुओं से कुल 8 परमाणुओं को टच करेगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि इसका जो एकक कोष्ठिका में योगदान होगा 1/8 होगा। तो इसका जो योगदान होगा कितना होगा, 1/8 होगा। तो सरल एकक कोष्ठिका में जो टोटल यहाँ पर परमाणु कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 परमाणु हैं, और एक परमाणु का योगदान अभी हमने कितना देखा, 1/8 होता है। एक परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। अगर आपके कहाँ पर हो, परमाणु कोने पर हो, अगर परमाणु कहाँ पर हो, कोनों पर हो, तो परमाणु का जो योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 आपके कैंसिल हो गया, तो बचा एक परमाणु। तो आपकी एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि SCC में परमाणु का योगदान कितना होगा। तो आप बताएंगे कि जो परमाणु का योगदान होता है SCC में, एक परमाणु का योगदान होता है। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं अगली एकक कोष्ठिका की, जो आपका है FCC। यदि हम बात करें केंद्रित एकक कोष्ठिका की, केंद्रित एकक कोष्ठिका में हम आपका पहला ले रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो इसके विषय में हमने पढ़ रखा है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हों, उसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यदि परमाणु आपके कहाँ पर उपस्थित हो, कोनों पर उपस्थित हो, और कोनों के अलावा कहाँ उपस्थित हो, फलक के केंद्र पर। यह आपका फलक रहा, यदि फलक के केंद्र पर भी आपके परमाणु क्या हो, उपस्थित हो, यह आपका हमने फलक है, इसे केंद्र पर एक परमाणु दिखाया, यह आपका एक फलक है, यहाँ पर हमने एक परमाणु आपका दिखाया, यह आपका एक फलक है, यहाँ हमने एक परमाणु दिखाया, और यह आपका एक फलक है, यहाँ हमने एक परमाणु दिखाया, ये आपका एक फलक, हमने यहाँ पर एक परमाणु दिखाया, तो यहाँ पर कितने परमाणु होंगे, 4 परमाणु आपके दिख रहे हैं, 5 परमाणु, तो एक आपके साइड परमाणु होगा, तो हमने ये आपके साइड परमाणु दिखाया। तो यहाँ पर देखिए जो परमाणुओं की संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी हमने आपको बताया यदि परमाणु आपके कहाँ पर, कोनों पर परमाणु हो, यदि कोने पर परमाणु होंगे तो वह 8 परमाणुओं को टच करता है, और यदि 8 परमाणुओं को टच करेगा तो उसका योगदान एक परमाणु कितना रहा, 1/8 रहा। तो कितने परमाणु हैं, टोटल 8 परमाणु हैं, तो 8 × 1/8, तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक परमाणु है। मतलब अगर आपकी सरल एकक कोष्ठिका होगी तो उसमें जो परमाणु का योगदान आता है कितना आता है, 1 परमाणु आता है। यदि हम बात करें आपके फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की, तो इसमें परमाणु का योगदान कितना होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कोने पर उपस्थित परमाणु का योगदान, कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान, और प्लस फलक पर उपस्थित
परमाणु का योगदान। फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान। तो यहां पर देखिए कोनों पर उपस्थित, तो कोने पर कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं। तो एक परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। प्लस फलक पर कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। और यदि यह परमाणु होगा फलक पर उपस्थित होगा तो आधा तो इस एक कोष्ठिका के साथ होगा और आधा अगले एक कोष्ठिका के साथ होगा। मतलब जो इसका योगदान निकल के आया एक परमाणु का फलक पर 1/2 आया, तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया और 2 से आपका ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो कहने का मतलब एक परमाणु ये रहा और 3 परमाणु ये रहे, 3 एक कितने हो गए? 4 परमाणु हो गए। तो आपका पूछ लेता है कि आप बताइए एफ सी सी में परमाणु का योगदान कितना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपका एफ सी सी रहा और एफ सी सी में परमाणु का योगदान कितना है? 4 परमाणु होंगे। अब यदि अब हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हम देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान कितना होगा। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यहाँ पर हम आपका ड्रा करते हैं, जो आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका का ही पार्ट है। तो एक तो यहाँ पर हमने एक कोष्ठिका बना लिया, तो दूसरा हम यहाँ पर बना लेते हैं, वो आपका क्या है? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब क्वेश्चन उठता है हमारे सामने कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? अगर यदि परमाणु आपके कोने पर उपस्थित हो और कोने के अलावा एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र में उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। जैसे कि यहाँ पर यदि हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम इस प्रकार से बताएंगे, ये रहा आपका एक एकक कोष्ठिका, ये है एक आपकी एकक कोष्ठिका। और यदि यहाँ पर हमने परमाणु आपके कोने पर दिखाए और इसके अलावा कोनों के अलावा हमने एक परमाणु इसके अंतः केंद्र में भी दिखाया, तो यह जो आपकी एकक कोष्ठिका बन के आई इसे हम कहते हैं क्या? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में यदि हम परमाणु का योगदान की बात करें तो कोने पर परमाणु है, तो कोने पर कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु हैं। तो एक परमाणु का योगदान 1/8 होता है, तो 8 से 8 ही कैंसिल हो गया। प्लस एक अंतः क्षेत्र में है, अंतः केंद्र में है, तो क्या निकला आपका? 1+1 मतलब कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु हो गए, 2 परमाणु हो गए। तो मतलब क्या निकल के आया? अगर आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होगा, मतलब क्या? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अगर आपका BCC होगा तो उसका कितना योगदान होगा? तो याद रखिए 2 परमाणु का योगदान होगा। अगर आपका FCC होगा तो कितने परमाणु का योगदान होगा? तो याद रखिए अगर FCC होगा तो आपके 4 परमाणु का योगदान होगा। और हर बार आपकी UP बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। अब आपकी एक पॉइंट और बची हुई है, वह पॉइंट है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान कितना होगा। तो यदि हम बात करें अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, अब अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो इसके बारे में हमने पहले ही सीख रखा है कि यदि परमाणु कोने पर उपस्थित हों और कोनों के अलावा विपरीत फलकों पर भी उपस्थित हों तो उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर भी उपस्थित हो और यहाँ पर भी उपस्थित हो, तो ये क्या विपरीत फलक हुए, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत फलक है। तो इसे हम क्या अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे, इसको हम कहते हैं आपका ECC। अब यदि बात करें यहाँ पर परमाणु का योगदान कितना है, तो आपकी देखिए कोनों पर परमाणु है और कोनों पर परमाणुओं का योगदान अभी हमने सीख रखा है कितना होगा? 1/8 × 8 होगा। और प्लस ये क्या है विपरीत फलकों पर, कितने परमाणु? 2 हैं। और एक परमाणु का यदि आपके फलक पर होगा तो उसका योगदान कितना होता है? 1/2 होता है, क्योंकि वह आधा पार्ट शेयर करता है अपने एकक कोष्ठिका के साथ और अगला पार्ट आधा शेयर करता है अगले एकक कोष्ठिका के साथ। तो इसका योगदान कितना निकल कर आया? 1/2 आया। तो यहाँ पर यदि हम 1/2 लिखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1 × 1 तो कितने परमाणु निकल कर आ गए? 2 परमाणु निकल कर आ गए। तो आप कह सकते हैं यदि हम बात करें परमाणुओं के योगदान का, तो ये रहा आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान कितना रहा? 2 रहा।
तो यहां पर से आप गौर रखिएगा, क्योंकि यहां से आपके एक नंबर यूपी बोर्ड में आएगा और वह होगा आपका बहुविकल्पी का प्रश्न, चाहे आपसे एससीसी पूछे, चाहे आपसे एफसीसी पूछे, चाहे आपसे ईसीसी पूछे और चाहे आपसे बीसीसी पूछे। यहां से आप जितने भी मार्कशीट चेक करेंगे और जितने भी यूपी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करेंगे, वहां से आप एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे। इसलिए इस पॉइंट को फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं आपके अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है आपका निविड संकुलन, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने अभी आपका देखा कि क्रिस्टल में एक कोष्ठिका में परमाणु का योगदान क्या होता है, अब हम आपका देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन जो आपके अक्सर यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है ए क्रिस्टल जालक दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, जो क्रमशः ए तथा बी है। परमाणु ए कोनों पर उपस्थित है, जबकि परमाणु बी फलक केंद्र पर उपस्थित है, तो क्रिस्टल का सूत्र लिखिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि परमाणु ए कोनों पर है, परमाणु बी फलक पर है या अंतः केंद्र में, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम रेशियो के आधार पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो परमाणु है, एक परमाणु क्या है ए है और एक परमाणु क्या है आपका बी है। तो यदि हम यहाँ पर दो परमाणु लेते हैं ए और बी है, तो हमने दोनों का रेशियो लिया ए रेशियो बी। तो परमाणु ए कहाँ पर है, परमाणु ए क्या है कोनों पर है, तो मतलब कोनों पर उपस्थित परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। और कोने पर किसी के कोष्ठिका के कोने पर कुल 8 परमाणु होते हैं, रेशियो बी। बी कहाँ पर है आपका, फलक केंद्र पर है और फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु का योगदान क्या है, 1/2 होता है। और फलक पर कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। तो 8 से आपका 8 कैंसिल हुआ, 2 3 आपका क्या हो गया, 6 हो गया। तो कहने का क्या मतलब निकला, ये आपका 1 आ गया ये रेशियो और ये कितना आगे 3, मतलब आपका जो क्रिस्टल का सूत्र निकला वो क्या निकला, ए बी 3 निकला। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर एक चीज़ और चेंज करें, जैसे कि हमने कहा कि अगर आपका यदि परमाणु बी अंतः केंद्र में उपस्थित हो, तो क्रिस्टल का सूत्र लिखिए। तो हम क्रिस्टल का सूत्र कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं परमाणु भी कहाँ पर है, अंतः केंद्र पर है, जबकि परमाणु कहाँ पर है अभी तक है, कोनों पर ही है। तो जो परमाणु का योगदान आएगा, जो क्रिस्टल का सूत्र आएगा ए रेशियो बी, परमाणु ए आपका कोनों पर ही है, तो 1/8 परमाणु का योगदान हुआ, कितने परमाणु है 8 रेशियो। अब जो आपके बी हैं, जो आपका परमाणु बी का अंतः केंद्र में है, तो अंतः केंद्र में पूरा का पूरा परमाणु होगा, तो 8 से आपका 8 कैंसिल हुआ और जो क्रिस्टल का सूत्र निकला वो क्या निकला, ए बी निकला। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड में आए, ये क्वेश्चन अक्सर आपके पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के आते हैं। और इन क्वेश्चनों में बहुत खासी हमें मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम इसे इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे आपका निविड संकुलन क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है।
ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका निविड संकुलन। अब सबसे पहले निविड संकुलन होता क्या है, जैसा कि कोई भी अगर यदि क्रिस्टल होगा तो उसके परमाणु हमेशा निविड संकुलित होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि निविड संकुलन का मतलब क्या है, तो निविड संकुलन परमाणु की वह व्यवस्था होती है जिससे कि उनके बीच का जो रिक्त स्थान हो, परमाणु के बीच का जो रिक्त स्थान हो वह क्या हो, न्यूनतम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, निविड संकुलन कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे ये यहाँ पर देखिए, यदि इन परमाणुओं की इस प्रकार से अरेंजमेंट करें तो इनके बीच की जो रिक्त स्थान आएगी न्यूनतम रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका हो सकता है निविड संकुलन। तो बात करते हैं आपका निविड संकुलन क्या होता है। निविड संकुलन निविड संकुलन तो निविड संकुलन क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया वह व्यवस्था जिसमें परमाणुओं के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, जिसमें परमाणुओं के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो, तो उसे हम निविड संकुलन कहते हैं। तो उसे निविड संकुलन कहा जाता है, तो उसे निविड संकुलन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है निविड संकुलन, यहाँ पर हम तो बात समझ गए निविड संकुलन क्या है। निविड संकुलन परमाणुओं की वह व्यवस्था होती है जिसमें उनके बीच की जो रिक्ति हो वह क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। तो अब निविड संकुलन कितने प्रकार का होता है, परमाणु कितने प्रकार से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, परमाणु को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, और इसके बारे में हम जानें। सबसे पहले यदि हम बात करें, परमाणु को हम वन डायमेंशनल व्यवस्थित कर सकते हैं। परमाणु आपके हो सकते हैं वन डायमेंशनल व्यवस्थित हो, जैसे कि हम बात करें एक विमीय निविड संकुलन। जैसे कि हमने बात किया, ये कुछ परमाणु हैं आपके, ये क्या है, कुछ परमाणु हैं, और ये परमाणु क्या है, अगर एक विमा में व्यवस्थित हों, सपोज करते हैं ये आपकी विमा क्या है, एक्स है, हो सकती है आपकी विमा वाई हो सकती है आपकी विमा क्या हो, जेड हो। यदि आपके परमाणु एक विमा के अंतर्गत वन डायमेंशनल व्यवस्थित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, एक विमीय निविड संकुलन कहते हैं। यह आपका क्या है, एक विमीय निविड संकुलन है। और यहीं से एक बात निकल कर आती है जिसको हम लोग कहते हैं समन्वय संख्या, या हम इसको उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो आओ इसके विषय में सीखें। तो कोई भी परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणु को छूता है, जितने निकटवर्ती परमाणु के संपर्क में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर इसी परमाणु को हमने टिक कर लिया, तो ये परमाणु कितने परमाणु के संपर्क में है, एक परमाणु ये हो गया आपका और एक परमाणु ये हो गया, तो कितने परमाणु के संपर्क में है, दो परमाणु के। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया, उपसहसंयोजन संख्या निकल के आई, क्या है आपका, दो होती है। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं, कोई परमाणु जितने निकटवर्ती है, कोई परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणुओं के संपर्क में रहता है, कोई परमाणु जितने निकटवर्ती परमाणुओं के संपर्क में रहता है, उसे उसकी उपसहसंयोजन संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं।
ठीक है बच्चों, यह आपकी क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या होती है। अब हम बात यहां पर कर चुके हैं आपका एक विमीय निविड संकुलन क्या होता है। तो यदि परमाणु आपके एक विमा में व्यवस्थित हो, वन डायमेंशनल व्यवस्थित हो, चाहे आपकी एक्स अक्ष के अंतर्गत व्यवस्थित हो, चाहे आपकी वाई अक्ष के अंतर्गत व्यवस्थित हो, चाहे आपका जेड अक्ष के अंतर्गत व्यवस्थित हो, तो उसे हम कहेंगे एक विमीय निविड संकुलन कहेंगे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका द्विविमीय निविड संकुलन की, कि द्विविमीय निविड संकुलन क्या होता है। द्विविमीय निविड संकुलन, जैसे हम यदि परमाणुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो इसे हम क्या कहेंगे, एक विमीय निविड संकुलन कहेंगे, एक विमीय निविड संकुलन कहेंगे। और यदि इसी से हम दो प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार कर सकते हैं, यदि हम इसका टू डायमेंशनल द्विविमीय निविड संकुलन बनाना चाहें तो दो प्रकार से व्यवस्थाएं हम तैयार कर सकते हैं। एक इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है कि हम क्या करें, एक विमीय निविड संकुलन हो और उसी परमाणुओं के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित कर दें, दूसरी पंक्ति को क्या करें, व्यवस्थित कर दें। तो कहने का क्या मतलब, वह निविड संकुलन जिसमें द्वितीय पंक्ति के परमाणुओं को ठीक पहली पंक्ति के ऊपर व्यवस्थित कर दिया जाता है और ये परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं, संरेखित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय निविड संकुलन का वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वर्गाकार द्विविमीय द्विविमीय वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। तो कहने का क्या मतलब निकला, यदि दूसरी पंक्ति के परमाणु पहली पंक्ति के परमाणु के ठीक ऊपर हों तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। अब क्वेश्चन उठता है, हम इसे वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन क्यों कहते हैं, इसे हम वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन क्यों कहते हैं। जैसे यदि हम इस परमाणु को टिक कर लें, इस परमाणु को टिक कर लिया, तो यदि हम देखें तो यह परमाणु कितने परमाणु के संपर्क में है, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु और आपको कितने, चार परमाणु। और ये चारों परमाणु को यदि हम ज्वाइन करें तो आपका क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन कहते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें कि वर्गाकार निविड संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो जो समन्वय संख्या निकल कर आती है वह आपकी होती है चार। यदि आपको डाउट है कि समन्वय संख्या हमने जो बताया आपका चार कैसे है, तो देखिए यह परमाणु कितने परमाणु के संपर्क में, एक, दो, तीन और चार। अब ये चार परमाणुओं के संपर्क में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन कहेंगे। तो यदि हम इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अभी हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे। और यदि हम यहाँ पर बात करें द्विविमीय का वर्गाकार निविड संकुलन हो गया, अब हम बात करते हैं कि षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन क्या होता है। यदि हम यहाँ पर एक विमीय निविड संकुलन लिया, हमने यहाँ पर आपका एक विमीय निविड संकुलन लिया और एक विमीय निविड संकुलन का ये जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, अवनमन कहते हैं। यदि हम दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को पहली पंक्ति के परमाणुओं के अवनमन में रख दें, पहली पंक्ति के परमाणुओं के अवनमन में रखें, तो इस प्रकार की बनी व्यवस्था को हम षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। तो इस प्रकार की बनी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसे षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन क्यों कहते हैं, तो आओ इसके विषय में सीखें। यदि हम बात करें एक परमाणु को हमने टिक कर लिया, तो यह परमाणु कितने परमाणु को टच में रहता है, तो एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, चार परमाणु, पांच परमाणु, छह परमाणु। तो ये परमाणु
छह परमाणुओं के संपर्क में रहता है और छह परमाणुओं के संपर्क में रहता है और जो ये संरचना बनाता है षटकोणीय संरचना बनाता है। तो षटकोणीय संरचना ये आपकी कौन सी संरचना है? षटकोणीय संरचना है। अब षटकोणीय संरचना होने के कारण ये आपकी कौन संरचना है? षटकोणीय संरचना है। और षटकोणीय संरचना होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? षटकोणीय निविड संकुलन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं आपका षटकोणीय, इसे हम आपको कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन। यदि हम बात करें कि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयन संख्या कितनी होगी, तो इसकी जो समन्वयन संख्या निकल के आएगी तो ये बताइए ये कितने परमाणु को टच करता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। ये छः परमाणु को टच करता है, इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, समन्वयन संख्या आया, कितना आया? छः आया। तो अक्सर आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि आप बताइए कि वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन में समन्वयन संख्या कितनी होगी। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आप इस चीज़ को ध्यान से समझे नहीं होते। तो यहाँ पर क्या निकल के आया? समन्वयन संख्या कितनी निकल के आई? चार निकल कर आई। क्यों? क्योंकि यह चार परमाणुओं के समीपवर्ती परमाणुओं के संपर्क में रहता है। और यह आपका जो निकल के आया यहाँ पर समन्वयन संख्या जो निकल कर आया, समन्वयन संख्या निकल कर आया आपका छः। और ये छः जो निकल कर आया कैसे निकल कर आया? क्योंकि ये छः परमाणुओं के संपर्क में रहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन। अब यदि हम इसके डिफिनेशन की बात करें, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो हम इसको लिखेंगे कैसे? यदि हमारे एग्जाम में आया तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात करें तो क्या होगा हमारा? वर्गाकार, वर्गाकार द्विविमीय, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। अब वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन क्या होता है? अभी हमने सीखा कि जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को, जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को, दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को पहली पंक्ति के परमाणुओं के ठीक ऊपर रखा जाए, ठीक ऊपर रखा जाए अर्थात परमाणु संरेखित हो तो इस प्रकार का निविड संकुलन, तो इस प्रकार का निविड संकुलन वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन कहते हैं, निविड संकुलन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको इसके पहले स्ट्रक्चर दिखाया था, परमाणु का व्यवस्था दिखाई थी, एक बार हम और आपका देख लेते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें कि किसका निर्माण होता है, यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो निर्माण होता है एक वर्ग का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? वर्गाकार निविड संकुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपका देखेंगे षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन। ठीक है, षटकोणीय
द्विविमीय, षटकोणीय द्विविमीय, निविड़ संकुलन, षटकोणीय द्विविमीय, निविड़ संकुलन। अब क्वेश्चन उठता है कि षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, आओ इसके बारे में सीखें। कि जब हम कि जैसे हमने व्यवस्था बनाई थी, ये क्या वन डायमेंशनल है आपका, और ये वन डायमेंशनल परमाणु का जो अवनमन है, यहाँ पर हमने परमाणु को, यहाँ पर परमाणु क्या करें व्यवस्थित करें, यहाँ पर परमाणु को क्या करें हम व्यवस्थित करें, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसे हम क्या कहेंगे, षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। यदि हमने इसको टिक कर लिया तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन के आएगी, और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बन के आई ये क्या है आपका षटकोणीय है, और क्या है षटकोणीय है, और षटकोणीय है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन कहेंगे। तो इसके डिफिनेशन क्या बनेंगी, जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को, जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को, जब दूसरी पंक्ति के परमाणुओं को पहली पंक्ति के अवनमन में रखा जाए, पहली पंक्ति के अवनमन अवनमनों में व्यवस्थित किया जाता है, अवनमनों में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन, कहते हैं। और पहले हम आपका डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो समन्वय संख्या निकलेगी वह कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। इसकी जो समन्वय संख्या निकलेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकलेगी, 6 निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब हम आपकी बात करेंगे कि रिक्ति क्या होती है, वाइड क्या होती है। तो दो प्रकार की वाइड आप पढ़ेंगे, एक टेट्राहेड्रल वाइड पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे आप ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो चतुष्फल की रिक्ति पढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे आप अष्टफल की रिक्ति। तो हम बात कर रहे हैं आपके रिक्ति की, रिक्ति को हम क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं, वाइड्स। अब रिक्ति होती क्या है, तो रिक्ति जब क्रिस्टल में हम परमाणुओं को व्यवस्थित करते हैं तो उनके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। जैसे कि हम बात करें यहां पर, तो ये क्या है आपकी चतुष्फल की रिक्ति है। अब चतुष्फल की रिक्ति कैसे है, ये आपकी चतुष्फल की रिक्ति है। तो चतुष्फल की रिक्ति कैसे, देखिए कि यहाँ पर हमने तीन परमाणु को व्यवस्थित कर लिया, और तीनों परमाणु को व्यवस्थित करने के बाद एक परमाणु को हम इसके ऊपर रख दिया, तो एक ऊपर रख दिया तो यहाँ पर देखिए बीच में आपका खाली स्थान बचा रह गया। अब जो ये खाली स्थान बचा रह गया इसे हम कहते हैं आपका चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है हम इसे चतुष्फल की रिक्ति क्यों कहते हैं, तो क्योंकि ये चार परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और चार परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वह बनाता है आपका टेट्राहेड्रल बनाता है। टेट्राहेड्रल बनाए जाने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। और एक रिक्ति जैसे कि हम बात करें इसकी, तो ये आपका बनी हुई है अष्टफल की रिक्ति। अब क्वेश्चन उठता है अष्टफल की रिक्ति कैसे बनी हुई है, देखिए अभी हम आपका चतुष्फल की रिक्ति देख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं आपका अष्टफल की रिक्ति। तो रिक्ति क्या है, क्रिस्टल की निविड़ संकुलन में परमाणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच
जो रिक्त स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसे रिक्ति कहते हैं, उसे रिक्ति कहते हैं। और रिक्ति रिक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रिक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रिक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होगा आपका चतुष्फल की रिक्ति होगी और एक होगा आपका अष्टफल की रिक्ति होगी। अब चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है, तो जैसे कि हमने आपका ये तीन परमाणु हैं और तीनों परमाणु को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया, और तीनों परमाणु को इस प्रकार से व्यवस्थित करने के बाद हमने इसके ऊपर एक परमाणु रख दिया, और हमने जो इसके ऊपर एक परमाणु रख दिया तो बीच में हम देख रहे हैं कि आपका क्या बच रहा है, खाली जगह बच रहा है, और खाली जगह बच रहा है तो यह इसे हम कहते हैं आपकी चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं, चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। इसे हम चतुष्फल की रिक्ति कहते हैं। अब चतुष्फल की रिक्ति कैसे कहेंगे, देखिए यदि हम यहां पर इन्हें कंबाइन करें तो आपकी जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है वो किसकी स्ट्रक्चर आ रही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ रही है, चतुष्फल की संरचना आ रही है, तो इसलिए इनसे क्या कहेंगे, चतुष्फल की रिक्ति कहेंगे। अब चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कितने परमाणुओं से होता है, तो चार परमाणुओं से होता है। आपके तीन परमाणु इस प्रकार से अरेंज रहते हैं और एक परमाणु इस रिक्ति के ऊपर रखा होता है, जैसे कि हमने आपका इसके पहले आपको बताया, ये आपका क्या है, चतुष्फल की रिक्ति है। तीन परमाणु आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे और एक परमाणु इन परमाणुओं के बीच ऊपर रखा होगा, तो इसके बीच जो रिक्ति स्थान दिख रही है, जो खाली स्थान दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, चतुष्फल की रिक्ति कहेंगे। अब हम बात करेंगे आपका अष्टफल की रिक्ति क्या होती है। अब हम आपका बात करें अष्ट फल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। अब आपकी अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, अब अष्टफल की रिक्ति का जो निर्माण होता है, जैसे कि हमने लिया ये आपके तीन परमाणु हो गए और तीन परमाणु आपके ये हो गए, और यदि हम इनके ऊपर भी इस प्रकार से परमाणु को अरेंज करें तो इनके बीच में जो ये जगह बचा है, जो खाली जगह बचा है, इसे हम क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। और यदि हमने आपको इसके पहले अष्टफल की रिक्ति दिखाया था, एक बार हम और आपको दिखाते हैं अष्टफल की रिक्ति क्या होती है। जैसे कि ये व्यवस्था देखिए, ये व्यवस्था किसकी है, आपकी अष्टफल की रिक्ति की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तीन परमाणु इस प्रकार से आपके व्यवस्थित होंगे, और तीन परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होने के बाद तीन प्रकार परमाणु आपके इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अष्टफल की रिक्ति कहेंगे। और अष्टफल की रिक्ति में कितने परमाणुओं का योगदान होता है, कितने परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके छह परमाणु होते हैं। और यदि हम बात करें, यदि परमाणुओं की संख्या n होगी तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, n ही होगी। तो हम लिख सकते हैं वह रिक्ति जिसका निर्माण, वह रिक्ति जिसका निर्माण, वह रिक्ति जिसका निर्माण छह परमाणुओं से मिलकर होता है, जिसका निर्माण छह परमाणुओं से मिलकर होता है, छह परमाणुओं से मिलकर होता है, उसे अष्टफल की, उसे अष्टफल की रिक्ति कहते हैं,
और यदि हम बात करें यहाँ पर इसका हम संरचना कैसे बनाएंगे, तो इसकी संरचना हम इस प्रकार से बनाएंगे, ये आप कर रहे हैं तीन परमाणु के सेंटर को लेकर के हमने ये बनाया, और ये तीन परमाणु को सेंटर को लेकर के हमने ये बनाया, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर बनी ये क्या है, आपकी अष्टफलकी है। इसको हम क्या कहेंगे, अष्टफलकी कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपका अगली हेडिंग देखेंगे, त्रिविमीय निविड संकुलन क्या होता है। सौरभ 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 तो बंद करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि एक कुछ लगाएंगे, ठीक है बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया आपका द्विविमीय निविड संकुलन क्या होता है, और द्विविमीय निविड संकुलन के बाद हम आते हैं आपका त्रिविमीय निविड संकुलन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो क्रिस्टल जालक होता है, यदि वो देखा जाए तो आपका वो त्रिविमीय निविड संकुलन ही होता है। जितने भी आपके क्रिस्टल जालक होते हैं वो आपके त्रिविमीय निविड संकुलन ही होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, त्रिविमीय निविड संकुलन क्या होता है। तो यदि हम त्रिविमीय निविड संकुलन की बात करें, तो त्रिविमीय निविड संकुलन हम कैसे बना सकते हैं। तो यदि हम द्विविमीय निविड संकुलन लें, और द्विविमीय निविड संकुलन के जैसे हमने यहाँ पर लिया द्विविमीय निविड संकुलन, तो द्विविमीय निविड संकुलन में कौन सा है, ये वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन है। ये अब क्या है, वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन है, और ये आपका है वर्गाकार द्विविमीय निविड संकुलन। और यदि हम इन परमाणुओं के ठीक ऊपर परमाणुओं को व्यवस्थित करें, यदि इन परमाणुओं के ठीक ऊपर, ये परमाणु की साइज इन्हीं के बराबर है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर इन परमाणु की साइज छोटा दिखा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इन परमाणुओं की जो साइज है ये क्या है, बराबर है। तो यदि हम द्विविमीय निविड संकुलन के परमाणु को ठीक ऊपर परमाणुओं को व्यवस्थित करें, तो बनी हुई व्यवस्था आपका क्या कहलाएगी, त्रिविमीय वर्ग निविड संकुलन कहलाएगी। मतलब क्या है, यदि हम द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन से त्रिविमीय निविड संकुलन बनाना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, द्विविमीय निविड संकुलन लें और ठीक उसके ऊपर दूसरा द्विविमीय निविड संकुलन रखें, तो बनी हुई आकृति, बनी हुई व्यवस्था आपकी क्या कहलाएगी, त्रिविमीय निविड संकुलन कहलाएगी। एक तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, और एक हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका जो है षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन है, ये आपके क्या है, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन है, क्या है, षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन है, और ये आपका षटकोणीय द्विविमीय निविड संकुलन है। और यदि हम इनके जो अवनमन है, यदि हम इनके अवनमन में परमाणुओं को व्यवस्थित करें, यदि हम इनके अवनमन में परमाणुओं को क्या करें, व्यवस्थित करें, तो बनी हुई व्यवस्था भी क्या कहलाएगी, तो बनी हुई व्यवस्था भी क्या कहलाएगी, त्रिविमीय निविड संकुलन कहलाएगी। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, षटकोणीय त्रिविमीय निविड संकुलन, इसे हम क्या कह सकते हैं, वर्गाकार त्रिविमीय निविड संकुलन। तो इस आधार पर ये आपका निविड संकुलन खत्म हुआ, और निविड संकुलन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है द्विविमीय निविड संकुलन का, और द्विविमीय निविड संकुलन में आपको दोनों ध्यान रखना है, एक आपको वर्गाकार निविड संकुलन है और एक आपका षटकोणीय निविड संकुलन है। और आप समन्वय संख्या को ध्यान रखिएगा, उपसहसंयोजन संख्या को ध्यान रखिएगा, वर्गाकार में 4 होती है और आपका षटकोणीय में 6 होता है। अब हम बात करेंगे संकुलन क्षमता क्या होती है। यदि हम बात करें संकुलन क्षमता क्या होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी क्रिस्टल होते हैं उनमें कुछ न कुछ रिक्त स्थान छूट जाता है। अब ये रिक्त स्थान छूट जाता है तो हम इसे कैसे बताएंगे,
इसके लिए हम लेते हैं आपका संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और कुल आयतन का अनुपात आपका क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। तो कहने का क्या मतलब निकला, किसी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा कुल आयतन का अनुपात संकुलन क्षमता कहलाती है, संकुलन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए क्षमता है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई भी करेंगे, अतः आपकी जो संकुलन क्षमता निकली, संकुलन क्षमता बराबर परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, संकुलन क्षमता बराबर परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन। तो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन, और यहाँ पर आपको पता क्या है, संकुलन क्षमता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, 100% हम क्या निकाल दिया, 100% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या निकली, संकुलन क्षमता की, पैकिंग इफिशेंसी की फार्मूला निकल गई। अब हम बात करेंगे आपकी SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है और FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है। दोनों ही आपके एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपका जो आपका ECC है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए न तो आपका ECC बहुत महत्वपूर्ण है और न तो आपका BCC बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है वह आपका क्या है, SCC है और आपका FCC है। SCC की संकुलन क्षमता क्या होती है। अब SCC की संकुलन क्षमता क्या होगी, इसके विषय में आओ सीखे। तो सबसे पहले आपका SCC होता क्या है, तो SCC मतलब सरल एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। तो आद्य एकक कोष्ठिका क्या है, वह एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु कहाँ पर उपस्थित हो, कोनों पर उपस्थित हो, और कोनों के अलावा परमाणु कहाँ पर उपस्थित हो, यदि कोनों के अलावा परमाणु आपकी अन्य जगह पर उपस्थित होंगे तो आपका केंद्रित हो जाएगा, लेकिन अगर आपका SCC है तो आपके परमाणु कहाँ पर उपस्थित होंगे, केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। यहाँ पर ये दोनों परमाणुओं को हमने बड़ा दिखाया है क्योंकि यहीं से हम आपकी A और R में SCC के रिलेशन बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमने माना एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई ए है, कितना है ए है, तो मतलब ये जो लंबाई निकल के आई वो कितना हो गया आपका, ए हो गया, ये अभी क्या है ए है। और आपको पता है कि ये आपकी क्या है, ये परमाणु की क्या है त्रिज्या है, ये भी परमाणु की क्या है त्रिज्या है, मतलब ये आर है और ये आर है, मतलब जो ए इक्वल किसके है 2R के, यह रिलेशन होता है किसका, SCC में। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए कि यदि परमाणु की त्रिज्या 10 पिकोमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इस फार्मूले से आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हम बात किसे करें, SCC की संकुलन क्षमता। तो आपको पता है कि संकुलन क्षमता का जो फार्मूला होता है, तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल आयतन और एकक कोष्ठिका का आयतन का क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 8 परमाणु हैं और 8 परमाणु हैं और परमाणु का योगदान कितना है, 1/8 है। तो जो परमाणु निकल के आए, एक परमाणु निकल के आए, यहाँ पर जो परमाणु निकल के आए आपके कितने परमाणु निकल के आए, एक परमाणु निकल के आए, मतलब एक परमाणु का आयतन ले लें और
पूरे एक कोष्ठिका का आयतन ले ले और उनका क्या ज्ञात कर दे, रेशियो निकाल दें, तो उसका हमें मिल जाएगा संकुलन क्षमता। तो ये क्या हो गया आपकी संकुलन क्षमता। तो यहां पर हम बता रहे हैं आपका माना परमाणु गोलाकार है, गोलाकार है तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होंगे, और यदि एकक कोष्ठिका का तथा एकक तथा एकक कोष्ठिका का आयतन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए क्यूब। और आपको पता है ए बराबर क्या है, 2r है, तो ए बराबर आप 2r रखेंगे तो 2r का होल क्यूब, और 2r का होल क्यूब सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 × r × r × r, 2 × 2 = 4 × 2 = 8, मतलब क्या निकल के आपका 8r क्यूब निकल के आया, मतलब क्या निकल के आया 8r क्यूब निकल के आया। और परमाणु का आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है 8r क्यूब है। तो संकुलन क्षमता बराबर क्या निकलेगी आपकी, तो संकुलन क्षमता बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8r क्यूब, और आपकी क्या संकुलन क्षमता है, तो हमने क्या लगा परसेंटेज लगा दिया 100%। तो आपका आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया और आपका क्या बचा 4/3, और आपका क्या रहा ये 8 यहाँ पर आ गया 8, और ऊपर क्या आएगा पाई है, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ से। तो मतलब जो आपका निकल के आया तो ऊपर क्या आएगा पाई, और 3 × 2 = कितनी होगी 6 हो जाएगी, पाई या 5/6 × 100%, और पाई का जो मान होता है 3.14 होता है, इंटू 100 अपान कितना आ गया 6 आ गया, तो आपका इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 52.4% आएगी। ये तो इसकी संकुलन क्षमता निकल आई, एक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता निकल के आई SCC के लिए, तो आपकी कितना निकल गया 52.4% निकल कर आई। अब बात करते हैं कि ये जो संकुलन क्षमता निकल के आई है, यदि हम बात करें रिक्त स्थान की कि रिक्त स्थान कितना है, तो रिक्त स्थान कितना है 100 − 52.4, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 100 − 52.4 तो 0.0, 10 में से 4 गए 6, पॉइंट आपका आ गया, तो यहाँ पर कितना 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर 9 में से 5 गए 4, तो ये आपका जो निकल के आया 47.6%, तो ये आपका क्या रहा रिक्त स्थान रहा, और आपका जो संकुलन क्षमता कितनी है 52.4% है। तो ये आप तैयार रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के हिसाब से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।